सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल और मैं आप लोग का दोस्त और चैनल का होस्ट फरहान। दोस्तों आज का जो वीडियो है ना हमारा वो होने वाला है दोस्तों कंपैरिजन वीडियो। एक्चुअली मैं आप लोग को पता है कि मैं कंपैरिजन वीडियोस तो ज़्यादा बनाता नहीं हूँ, लेकिन यार कुछ ये जो गेम्स अभी आ रहे हैं वो ऐसे हैं कि उसका कंपैरिजन करने में जो है ना बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे मज़ा आने वाला, और तरह तरह की यहाँ पे बातें भी हो रही है कि जो गेम है वो इसको टक्कर दे सकता है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को लेकर के आ चुका हूँ यहाँ पे कंपैरिजन वीडियो एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल वर्सेस पबजी मोबाइल का, ठीक है। क्योंकि देखिए पबजी मोबाइल तो एक तरीके से बैन हो चुका है अपने इंडिया के अंदर, लेकिन यहाँ पे अभी बातें चल रही है कि जो एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल गेम है वो अपने पबजी मोबाइल को जो है वो काफ़ी टक्कर दे देगा। जब एपेक्स लेजेंड्स लॉन्च हो जाएगा तो पबजी का जो है वो नामो निशान मिट जाएगा, सारे लोग उसको जो है यहाँ पे भूल जाएंगे। तो इस वीडियो में आप लोग डिस्कस करेंगे कि भाई आखिरकार ऐसा यहाँ पे हो सकता है वाकई में या नहीं, क्या एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल वाकई में जो है वो पबजी मोबाइल को टक्कर दे देगा, हरा देगा इस गेम को। इस वीडियो के अंदर जो है वो इसी के बारे में हम लोग जो बात यहाँ पे करने वाले दोस्तों, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोग कर दो वीडियो को लाइक और चैनल के ऊपर नए हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो जो है ना मैं आप लोग को एक बात तो ये क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो के अंदर कि जो एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल गेम है और जो पबजी मोबाइल गेम है उसका जो कंपैरिजन यहाँ पे लोग तरह तरह के एक बना रहे हैं कर रहे हैं, एक्चुअली में दोस्तों यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि जो लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं कि भाई जो एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल जब लॉन्च हो जाएगा तो ये पबजी का नामो निशान मिटा देगा, पबजी को हरा देगा, सारे लोग पबजी को भूल जाएंगे और एपेक्स लेजेंड्स को ही जो है वो खेलना पसंद करेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पे कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा ऐसा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोग को बताऊं, एक तरीके से पबजी मोबाइल जो गेम है वो तो इंडिया के अंदर बैन हो चुका है, और दूसरी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि पबजी मोबाइल दोस्तों एक अलग तरीके का गेम है और एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल जो है वो एक अलग तरीके का गेम है, ठीक है। डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है इसके अंदर। तो ये दो जो चीज़ें मैंने आप लोग को अभी बताया ये तो भाई नॉर्मल है, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है दोस्तों यहाँ पे जिसकी वजह से यहाँ पे इसका कंपैरिजन दूर दूर तक के बनता नहीं है ये दोनों गेम का, वो दोस्तों है सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। भाई आपने सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के ऊपर तो इसके नज़र ही नहीं डाला। अब मैं आप लोग को बताता हूँ, जो पबजी मोबाइल गेम है अपना वो 3GB रैम के डिवाइस के अंदर भी आराम से यहाँ पे जो है वो चल जाता था, ठीक है। 3GB रैम, 4GB रैम जो नॉर्मल से डिवाइसेस है आराम से PUBG मोबाइल को जो है वो लोग यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, ओके। और PUBG मोबाइल का लाइट वर्जन भी जो है वो अवेलेबल है, जिसके अंदर लो एंड डिवाइसेस जो डिवाइसेस है वो भी आराम से जो है वो इस गेम को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों, ओके। तो ये यहाँ पे जो है वो बात है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल गेम की, तो दोस्तों एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल गेम सिर्फ और सिर्फ फ्लैगशिप फोन्स के लिए ही आ रहा है ना, ठीक है। उसके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स पे आप लोग नजर डालो, जो एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल गेम है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लैगशिप फोन्स के लिए ही आ रहे हैं। अब भाई जितने लोगों के पास में फ्लैगशिप फोन्स होगा, सबके पास में तो होता नहीं है, लिमिटेड लोग जो है यहाँ पे होते हैं, तो भाई लिमिटेड लोग यहाँ पे खेल रहे गेम को, तो आप लोग कहाँ से जो है वो पबजी मोबाइल और ये जो एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल गेम का कंपैरिजन जो है वो कर रहे हो? दूर दूर तक के कंपैरिजन बन करके आता ही नहीं है, क्योंकि भाई एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल जो गेम है वो सभी डिवाइसेस के अंदर तो चल ही नहीं रहा है, सिर्फ लिमिटेड लोग ही उसको जो है वो खेल पा रहे हैं, कोई किसी ने भी जो है यहाँ पे उसको एक्सपीरियंस कर नहीं रहे लोग ज़्यादा करके। और पबजी मोबाइल की अगर मैं बात करूँ तो सभी लोग यहाँ पे जो है वो उसको यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एपेक्स लेजेंड्स सिर्फ लिमिटेड लोग जो है यहाँ पे खेल पाएंगे। तो इस पर से दोनों का कंपैरिजन जो है यार मेरे हिसाब से तो दूर दूर तक के बन करके आता नहीं है यहाँ पे। हाँ अगर ऐसा होता भाई कि एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल गेम भी जो है वो लो एंड डिवाइसेस के अंदर चल रहा होता, 3GB रैम या 4GB रैम सब में चल रहा होता, तो फिर जो है यहाँ पे कंपैरिजन की बात यहाँ पे निकल करके आ सकती थी कि भाई चलो दोनों का कंपैरिजन किया जाए और देखा जाए कि कौन सा गेम सबसे ज़्यादा अच्छा है। अभी आप लोग ग्राफिक्स को देख करके, क्वालिटी वगैरह को देख करके तो बोल दोगे कि भाई एपेक्स लेजेंड्स बहुत अच्छा गेम है, और हालांकि है भी बहुत अच्छा, पबजी से वो बहुत ज़्यादा बड़ा गेम है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों कंपैरिजन बनेगा नहीं, क्योंकि सिस्टम रिक्वायरमेंट्स उसके बहुत ज़्यादा हाई है एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल गेम के, और जो पबजी मोबाइल है उसके दोनों वर्जन अवेलेबल है, लाइट भी और ओरिजिनल भी, और लेकिन एपेक्स लेजेंड्स का लाइट वर्जन तो अवेलेबल है ही नहीं, ओरिजिनल ही वर्जन अवेलेबल है और वो भी सिर्फ लिमिटेड फ्लैगशिप फोन्स के लिए ही अवेलेबल है। तो इस पर से इस बात को लेकर के दोस्तों यहाँ पे जो एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल का कंपैरिजन है वो मेरे हिसाब से यहाँ पे बनेगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फाइनली कि भाई अगर चलो 1% में हम लोग कर ही लेते इसका कंपैरिजन एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल वर्सेस पबजी मोबाइल, तो क्या होगा, कौन सा गेम सबसे ज़्यादा बेटर है? तो दोस्तों मेरा आंसर तो यहाँ पे ये है उसके अंदर कि एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल ही यहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि देखिए उसके अंदर आप लोगों को ग्राफिक्स, कैरेक्टर्स, गन्स,
शेडो की क्वालिटी, जितनी चीजें उसके अंदर टोटल मिलाकर के आउटस्टैंडिंग गेम है दोस्तों। इसमें तो देखो यार कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग गेम है पबजी मोबाइल, उसके सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन यार यही दिक्कत हो जाती है यहाँ पे कि गेम जितना ज़्यादा बड़ा होता है यार उतना ही ज़्यादा जो है वो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ पे जो है वो लेता है दोस्तों। तो ये यार बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब अब इसमें तो देखिए हम लोग कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है कि गेम जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतने सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी वो रिक्वायर्ड करेगा। तो इस पर से पबजी मोबाइल जो है वो नॉर्मल से डिवाइस में भी चल जाता है, लाइट वर्जन भी अवेलेबल है। तो इस पर से यहाँ पे जो है दोस्तों एपेक्स मोबाइल ही जो है वो जीतेगा एट द एंड, ठीक है। अभी यहाँ पे रियल में जो इसका कंपैरिजन तब निकल करके आएगा दोस्तों जब इसका एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल गेम का लाइट वर्जन जो है वो अवेलेबल होगा। अब लाइट वर्जन तो भाई कब आएगा वो तो भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब अभी देखिए कुछ भी मैं जो है यहाँ पे कह नहीं सकता हूँ कि लाइट वर्जन कब आएगा एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल गेम का, ताकि सभी लोग जो है यहाँ पे एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल गेम को खेल सके, लो एंड डिवाइसेस वाले भी, नॉर्मल वाले भी। लेकिन अभी तो उसका कुछ कन्फर्म नहीं है, शायद से वो 2022 के अंदर जो है वो अर्ली के अंदर या 2023 तक के जो है वो आ जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी यहाँ पे। तो इसके बाद में जो है वो निकल करके आएगा एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल वर्सेस पबजी मोबाइल का असली कंपैरिजन, ठीक है। तो ये दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। अब ये इस वीडियो में तो मैंने ज़्यादा करके मेरी ओपिनियंस बताया, अभी आपको क्या लगता है वो आप लोग मुझे कमेंट करके जो है वो बता सकते हैं, ज़रूर से अपनी राय जो है वो बता सकते हैं। और आप लोग को जो है मैंने क्लियर कर दिया इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी मेरे को जो है यहाँ पे लग रहा था इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो जो अच्छा लगा होगा, वीडियो जरूर से लाइक कर दो, शेयर कर दो और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑल, बाय फ्रेंड्स।